पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है, तो आपको बताया था कि ये कोई परावर्तक तल है और परावर्तक तल पर जब कोई आपतित किरण आती है और रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे दर्पण क्या होते हैं और परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का अगर सबसे बढ़िया उदाहरण बताएं तो परावर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्पण यानी मिरर। मिरर सबसे बढ़िया उदाहरण है। मिरर कैसे बनते हैं? ये कोई गोल कांच का एक गोला है, इसको आप कट कर लेते हैं। मान लीजिए कट कर लिया आपने इस तरह से, ये हिस्सा आपने कट कर दिया। अब यदि इसके आपने ये जो हिस्सा कट किया है इसके यदि आपने बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, एक विशेष प्रकार की पॉलिश यदि आपने बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है? इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कौन सा? कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब कॉनकेव यानी अवतल माने ही गड्ढा होता है, इसमें क्या होता है? बीच में गड्ढा बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है? बीच में गड्ढा बन जाता है, इसे अवतल दर्पण कह देते हैं, कॉनकेव मिरर कह देते हैं। लेकिन यदि आप इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो आपका जो दर्पण बन जाता है इसे हम लोग कौन सा दर्पण कह देते हैं? इसे कॉनवेक्स कह देते हैं। इसे कॉनवेक्स यानी उत्तल दर्पण कह देते हैं। इसे उत्तल दर्पण कह देते हैं। इसे उत्तल दर्पण कह देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं। अब मिरर से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, अब उनको सबसे पहले समझ लेते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, पूछी जाती हैं। मिरर आपको बता दें, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कुछ डिफिनेशन, सबसे पहले डिफिनेशन आ जाती है, ध्यान देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है, गोलीय दर्पण यानी आपका जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके केंद्र को क्या कह देते हैं? वक्रता केंद्र कह देते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कह देते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या आ जाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कह देते हैं? उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। तीसरा पॉइंट ध्रुव यानी पोल। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। ये इसका अगर हम मध्य बिंदु निकालें, ये इस तरह से, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है ये बना हुआ है, ये आपने पॉलिश कर रखी है, तो ये इसका जो मध्य बिंदु है इसे क्या कह देंगे? ध्रुव कह देंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को क्या कह देते हैं? ध्रुव कह देते हैं। स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को क्या कह देते हैं? ध्रुव कह देते हैं। और ये क्या था? ये वक्रता केंद्र था। अब इसमें एक डिफिनेशन आ जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस दैट्स मीन मुख्य अक्ष
अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होती है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, किसको किसको? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। यदि हम क्या करें, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिला दें तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है फोकस। बहुत ध्यान से समझेंगे, फोकस, फोकस को फोकस ही लिखते हैं। फोकस क्या होते हैं? दोनों लेंसेज के लिए, दोनों दर्पण के लिए फोकस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए फोकस की डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे और कॉनकेव के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। ये आपका कैसा मिरर हो गया? ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये आपका पोल हो गया, ये मिला दिया, ये सी हो गया। अब इसके लिए क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइंस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें यानी समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन परावर्तन के पश्चात, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? इस पॉइंट को फोकस कह देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, ये कौन पैरेलल आने वाली रेज? लाइट रेज हैं ये। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे क्या कह देते हैं? उसे फोकस कह देते हैं, उसे फोकस कह देते हैं। ये कॉनकेव के लिए हो गया। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में क्या होता है? अंदर पॉलिश होते हैं। ये आपका पोल हो गया, ये अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, पैरेलल आने वाली रेज, ये मान लीजिए पैरेलल आ रही है। अब इसमें क्या होता है? आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे रेज आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर? बाहर की ओर स्प्रेड हो जाता है, फैला देती है किरणों को। ठीक है, ये अब ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किधर? मिरर के दूसरे साइड में, मिरर के दूसरे साइड में, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियलाइज जो एक्सपीरियंस होता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर मीट करती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहलाएगा। इसमें क्या था? मिलती हैं और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें आपको लग रहा है, देखिए क्या हुआ, इसमें तो रिफ्लेक्ट हो गई थी इधर बाहर की ओर, तो अगर इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तब देखते हैं कि यहां पर मिल रही हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट मीट कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकस कहलाएगा और ये कॉनकेव का फोकस कहलाएगा। अब एक आ जाता है फोकल लेंथ। क्या आ जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, नाम से ही क्लियर है, फोकस दूरी यानी फोकस की दूरी, यानी फोकस की कहां से? ध्रुव से, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पी एंड एफ यानी पोल और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कह देंगे। तो ये कुछ डिफिनेशन हो गई जो हमारे मिरर में यूज होंगे। अच्छा, एक चीज, मिरर में इमेजेस, दो इमेज हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है आपकी इमेजिनरी इमेज। एक होती है रियल, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी इमेजिनरी इमेज कैसे बनती है। ठीक है, अब इमेजेस को अगर हमें इमेजेस बनानी है तो दर्पण, अवतल दर्पण के लिए यानी कॉनकेव मिरर के लिए 6 जो है इमेजेस बनती हैं, जबकि कॉन्वेक्स के लिए, जबकि कॉन्वेक्स के लिए कितनी बनती हैं? कॉन्वेक्स के लिए एक इमेज बनती है केवल। इसमें क्या होता है, लेंसेज के पहले, सबसे पहले आपको रेज बता देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज पैरेलल आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप इमेज बना पाएंगे। ठीक है, जो रेज पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी। पहला तरीका, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है परावर्तन के पश्चात, वो कहां से होकर जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। पॉइंट नंबर 1।
इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जो रेज फोकस से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, दूसरा जो रेज फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो रेज फोकस से होकर जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, जबकि पहले वाले में क्या बताया था, जो रेज पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से, और जो फोकस से होकर जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दो रेज, तीसरी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो हमेशा वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आएगी। तो तीन तरह के आपकी लाइन्स हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इमेज को बनाने के लिए। हम तीन तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल एक्सिस जो पैरेलल जा रही है फोकस से होकर, और जो फोकस से होकर जाएगी उसको पैरेलल कर देंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। और इसकी इमेजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।